ये देख लो बहुत बड़ा मुजरिम, 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाले ये दीपक चौरसिया, 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाली दीपक चौरसिया का शक्ल देख लो, अभी बोलती बंदा है, अभी नहीं बोलेंगे। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। उसका जो कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। दोस्तों, कथित पत्रकार दीमक चौरसिया उर्फ कौवा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये यूं कहिए कि लगभग गिरफ्तारी तय हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी सप्ताह गुरुग्राम की एक कोर्ट ने दीमक चौरसिया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। वारंट जारी इसलिए हुआ क्योंकि 2013 में दीमक चौरसिया ने एक नाबालिग बच्ची और उसके परिवार समेत एक एडिटेड अश्लील वीडियो ऑन एयर किया था, जिसके बाद दीमक चौरसिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। और उसी मामले की सुनवाई के दौरान इसी वीक गुरुग्राम की एक कोर्ट ने दीमक चौरसिया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। जारी होने की एक और वजह यह भी है क्योंकि दीमक चौरसिया कभी भी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाया, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाता ही रहा। इसी वजह से गुरुग्राम के जज ने यह कहा कि ये जानबूझ करके कोर्ट आना नहीं चाहते और इसी वजह से भी इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, यानी कि गिरफ्तारी की नोटिस इशू हो चुकी है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी सुनवाई के दौरान बड़ा ही दिलचस्प एक और मामला यह भी आया कि योगी आदित्यनाथ का एक गोपनीय लेटर भी जज के सामने पेश किया गया। जी हां, दीमक चौरसिया के वकील ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किया गया एक गोपनीय लेटर जज के सामने पेश किया गया। तो जज वो लेटर देख करके ही भड़क गए कि भाई गोपनीय लेटर दरअसल कोर्ट में खोला कैसे गया, हमारे सामने रखा कैसे गया, तो उसके खिलाफ भी वहां पे जज भड़क गए। तो योगी आदित्यनाथ का गोपनीय लेटर भी दीमक चौरसिया के बचाने के काम में नहीं आ पाया और दीमक चौरसिया के कोर्ट में हाजिर ना होने की वजह भी बड़ा बेतुका सा बताया गया कि भाई चूंकि योगी आदित्यनाथ का दीमक चौरसिया इंटरव्यू कर रहे थे, इसी वजह से कोर्ट में नहीं आ सके। मतलब कि योगी आदित्यनाथ के सामने कोर्ट की कोई औकात ही नहीं, कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं, कोई इंपोर्टेंस ही नहीं कि भाई हम योगी आदित्यनाथ के सामने तो जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, कोर्ट में जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम कोर्ट के जज ने दीमक चौरसिया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। तो कोर्ट में दीमक चौरसिया के वकील ने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन इस दीमक चौरसिया के पक्ष में कुछ होता दिखा नहीं। बहरहाल, इस कथित पत्रकार दीमक चौरसिया के पत्रकारिता के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पूरे देश को पता है कि इसकी पत्रकारिता कैसे रही है। चीखने चिल्लाने से लेकर के ड्रामा करने में अव्वल दर्जे का यह बंदा है और हमेशा इसे टीवी डिबेट में इसी तरह से देखा भी गया है। अब आप इस नमूना पत्रकार के पत्रकारिता का कुछ नमूना देख लीजिए। नंबर वन, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर रहे हैं हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, उसका जो सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। आगे देखिए, नंबर टू, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। रुको जरा, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। नहीं दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। अबे साले, अभी और भी है, आगे देखिए नंबर थ्री। अरे सुन बड़वे, बोलिए पत्रकार हो, बोलिए चूतिया सीधी करने वाले पत्रकार हो, बोलिए आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन, बोलिए बोलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, काटिए इनको, ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये भी देख लीजिए नंबर चार, अरे कहना क्या चाहते हो?
जी हाँ, तो ये आपने इस नमूने पत्रकार के पत्रकारिता का कुछ नमूना देखा। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दरअसल ये कितना बड़ा पत्रकार है और इसे दीमक चौरसिया उर्फ कौवा क्यों कहा जाता है। कहने के पीछे दरअसल इसकी हरकतें हैं, कहने के पीछे इसकी कथित पत्रकारिता है, कहने के पीछे इसकी इस तरह का एक्टिंग है जो टीवी डिबेट में करता दिखता है। पत्रकारिता कम, एक्टिंग ज्यादा, ड्रामा ज्यादा, रोना धोना चीखना चिल्लाना ज्यादा, और इसे ही दीमक चौरसिया पिछले 25 सालों की पत्रकारिता में तपस्या बताता है। भाई मुझे ये नहीं पता कि इसने कहां इतनी बड़ी तपस्या की, कहां से इतना बड़ा ड्रामा सीखा। इतना बेहतरीन ड्रामा तो टीवी और फिल्म में एक्टिंग करने वाले एक्ट्रेस नहीं कर सकते, जितना बड़ा ड्रामा कार यहां पे ये दीमक चौरसिया दिख रहा है। लेकिन पत्रकारिता का तो इसे पता नहीं आता, ये हमें और आपको पूरे देश को पता है। तो मिला जुला करके दीमक चौरसिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मामला आज से 10 साल पुराना जरूर है, लेकिन आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता हुआ ये दीमक चौरसिया दिख रहा है, क्योंकि इसने जो आज से 10 साल पहले किया, एक अश्लील एडिटेड वीडियो चलाया जिसको लेकर के मामला इसके खिलाफ दर्ज हुआ, उसी की सुनवाई के लिए ये आजकल कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के दौरान ही लोगों से इसका आमना सामना हो गया, तो कुछ इस तरह का वीडियो निकल कर आया। बड़ा मुजरिम है ये, देख लो, बहुत बड़ा मुजरिम, 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं ये दीपक चौरसिया। 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद करने वाली दीपक चौरसिया का शक्ल देख लो, अभी बोलती बंद है, अभी नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। शाबाश शाबाश दीपक जी, शाबाश, आपको इनाम मिलना चाहिए। जी हाँ, तो स्टूडियो में चीखने चिल्लाने वाले की लोगों के सामने इस तरह से बोलती बंद हो जाती है, जैसे कि हमने अब से कुछ साल पहले अर्णव गोस्वामी को देखा था कि कैसे कुणाल कामरा के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी। एक शब्द नहीं निकल पाया था, लेकिन टीवी डिबेट में हमने और आपने देखा है कैसे वो चीखता चिल्लाता है। जाहिर सी बात है कि अपने घर में हर एक बंदा शेर होता है, बाहर निकले तो पता चलता है कि कौन कितना बड़ा शेर है और कौन कितना बड़ा गिद्ध है। इन वीडियो से तो समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये स्टूडियो के ही शेर हैं, बाहर निकलते हैं तो ये चूहा बन जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो ये गिद्ध बन जाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है, लोगों के सामने इनकी सांसें फूलने लग जाती हैं, इसी तरह से जैसा कि आपने यहां पर देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। दीमक चौरसिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।